रूमा भट्टाचार्य, साइकाइट्रिस्ट, मनोचिकित्सक, आप सबसे आज रूबरू हूँ। हम आज बात कर रहे हैं जो है खासकर विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए जो अभी एग्जाम गोइंग है। इस समय बहुत कॉमन है कि बच्चों में एंजाइटी के लक्षण देखने को मिलते हैं, खासकर अगर बोर्ड एग्जाम्स में जो अपीयर होने वाले बच्चे हैं उनकी बात करें तो बहुत बच्चे इस समय आ रहे हैं जो कहते हैं कि उन्हें घबराहट हो रही है, वो पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि वो पढ़ी हुई चीज़ भी कहीं ना कहीं वो भूलने लगे हैं। तो ये सारे एंजाइटी के सिम्टम्स होते हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर के, और बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो मैं ऐसे सारे बच्चों से कहना चाहूँगी कि बोर्ड एग्जाम्स अन्य किसी भी एग्जाम की तरह है, उसका बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन क्योंकि अब हो रहा है स्ट्रेस तो हम कैसे उसको डील करें। तो सबसे पहले अगर आपको ऐसा कोई भी लक्षण आपको समझ में आ रहा है कि आपको नींद नहीं आ रही है, या आपको घबराहट हो रही है, या आपकी एंजाइटी इतनी बढ़ गई है कि आपके दिल की धड़कन बढ़ जाती है, आपको ऐसा लगता है कि सांस नहीं लेते बन रहा, या हाथ पैर कपकपाने लगे हैं, नींद में परेशानी हो रही है, कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं, तो ये सारे एंजाइटी के लक्षण हैं। तो इसमें ज़रूरी है कि आप जो है ये सारे इमोशंस अपने अंदर दबा के ना रखें। इन चीज़ों को आप शेयर कर सकते हैं अपने बड़े भाई बहनों से अगर वो हैं, या पेरेंट्स से भी आप खुल के बात करें। तो जितना आप शेयर करेंगे या क्लोज फ्रेंड्स के बीच में आप शेयर करें तो वो पेंट अप नहीं होता है, वो अंदर ही अंदर जो है सप्रेस नहीं होता है, उसको आप वेंट आउट करिए, उसको आप रिलीज करिए, तो आपको काफ़ी हद तक रिलैक्सेशन महसूस होगी। जहां हम रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स अपनाने की भी ज़रूरत है। अगर एंजाइटी हो रही है तो आप थोड़ा, अगर आप रूम के अंदर अपने स्टडी रूम में बंद हैं तो वहां से आप निकलिए, थोड़े खुले हवा में जाइए, टेरेस में जाइए, गार्डन में जाइए, पार्क में जाइए, थोड़ी लंबी सांसें लीजिए। कई बार बहुत थोड़े देर के लिए मेडिटेशन करना या जस्ट सिंपल आँख बंद करके अपने आप अपने बॉडी को रिलैक्स मोड में लाने की कोशिश करना, और ये अपने आप को लगातार रीअश्योर करना कि मैं रिलैक्स्ड हूँ, मेरे हाथ पैर रिलैक्स्ड हैं, मेरा मन रिलैक्स्ड है। जब आप ऐसे सेल्फ ऑटो सजेशन करते हैं तो वो भी बहुत हेल्पफुल होता है। और अगर इन सबसे बात नहीं बन रही तो तुरंत किसी मनोचिकित्सक या साइकाइट्रिस्ट से जल्दी से आके मिलिए, क्योंकि वो ये जो टाइम है वो बहुत कीमती है, बहुत बहुमूल्य है। तो आप अपना कॉन्फिडेंस मत लूज करिए, आके डिस्कस करिए और कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा।